हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेंस हेल्थ टॉक। और कैसे हैं आप सभी? तो यह प्रेगनेंसी ऐसी कंडीशन होती है जो कि बहुत खुशी होती है कि कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, अपने बेबी को जन्म देने वाली है, पर उसके साथ साथ में कई सारे प्रॉब्लम उस महिला को अफेक्ट करते हैं। तो आज हम स्किन प्रॉब्लम जो कि होती हैं प्रेगनेंसी में, उन पर बात करेंगे। तो जैसे कि आपका रेसेस होना है, मेलाज्मा है, झाइयाँ है, स्ट्रेच मार्क्स हैं, इस तरह के कई सारे खुजली की समस्या है, इन सभी पर हम बात करेंगे और कुछ होम रेमेडीज़ भी हम आपको बताएंगे। तो इन सभी समस्याओं से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाना, क्योंकि हम प्रेगनेंसी के अलावा पीरियड और भी मतलब महिलाओं से संबंधित सभी बीमार हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। साथ में चाहें तो आप हमारे दूसरे चैनल को एक बार विजिट ज़रूर करें, जिसका नाम है फैक्ट इन हिंदी, और उस पर हम बनाते हैं हेल्थ रिलेटेड वीडियो, चाहे आपके नेल्स हो, ईयर हो, आईज हो, हेयर्स हो, ब्यूटी के और वैसे भी, तो आप उसको भी एक बार विजिट जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने के पहले बता देते हैं कि आज के प्रोडक्ट के बारे में आज हमारे पिटारे में क्या है। यह है द कलर वर्कशॉप का ब्लश, और ये इसमें चार ब्लश दिए हुए हैं। तो इस तरह की पैकेजिंग में आता है, बहुत ही छोटा सा है, पॉकेट फ्रेंडली है, और आप इसे ले जा सकते हैं। ये 5.8 ग्राम आपको मिल जाता है। आंखों के आसपास इसको नहीं अप्लाई करना है, साफ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके कलर कैसे हैं। देखिए, आप इसमें कुछ आपको शिमरी शाइन दिखाई दे रही है, तो इस तरह का ये ब्लश है। और हम आपको दिखा देते हैं कि ये कितना कलर इसमें आता है, और आप इसके सारे ही कलर बहुत प्यारे हैं, और आप अपनी ब्लश के लिए यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग योर चॉइस। तो ये देखिए, इसमें पीच कलर है, पिंक है, ऑरेंज सा है, और ये वाइट है। तो आप अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग अपना ब्लश चूज़ कर सकते हैं, मेकअप के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। कलर बहुत अच्छे आ रहे हैं इसके, तो आप चाहें तो इनको ले सकते हैं। ये ऑनलाइन आपको मिल जाएगा 300 रुपीज़ में। आप इसको लेना चाहें तो इसको ले सकते हैं, इतने में आपको और भी कंपनी के भी बहुत अच्छे ब्लश मिल जाते हैं। तो ये इसका रिव्यू है। फ्रेंड्स, आपको ये प्रोडक्ट कैसे लगते हैं और हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको इनके रिजल्ट कैसे मिले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी में जो होता है स्ट्रेस मार्क्स। स्ट्रेस मार्क्स हर महिला को होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जब स्ट्रेस करती है तो वो स्किन ढीली होती है, बढ़ती है, पेट बढ़ने के कारण से स्ट्रेस होती है, और वहाँ पर हमारे लाल पर्पल कलर के स्ट्रेच मार्क्स बन जाते हैं। जैसे जैसे हमारा प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ता है, यानी कि 5-6 महीने के बाद में ये ज़्यादा चांस हो जाते हैं इसको बढ़ने पर। तो इसको क्योर करने के लिए वैसे तो मेडिकल में बहुत सारी क्रीम्स आ गई हैं, तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके साथ साथ में अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करेंगे तो 100% इससे पूरी तरीके से छुटकारा नहीं पाया जा सकता, पर स्ट्रेच मार्क्स काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, जो कि दिखाई नहीं देते। यदि आप गौर करते हैं तो दिखाई देंगे, तो आप इनका इस्तेमाल कीजिए। विटामिन ई का कैप्सूल आप लगा सकते हैं, अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा सकते हैं, तो ये आपके स्ट्रेच मार्क्स में काफ़ी राहत देते हैं। ये आपके पेट के अलावा आपकी जांघ के हिस्से में होता है, ब्रेस्ट में भी हो सकते हैं, तो ये प्रेगनेंसी में अक्सर होते हैं और बहुत नॉर्मल चीज़ होती है। दूसरी चीज़ होती है मेलाज्मा। मेलाज्मा आपके चेहरे पर हो जाते हैं, काले रंग के धब्बे हो जाते हैं, जो कि प्रेगनेंसी में होते हैं, और ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपको होते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आपको सनलाइट से बचना है। तो मेलाज्मा होती है तो पहले अपनी स्किन के क्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको शाम को फेस वॉश करके सोना है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट यूज़ नहीं करने हैं जो आपकी स्किन को सूट नहीं कर रहे हैं। हर्बल प्रोडक्ट आप यूज़ कीजिए, धूप से अपनी स्किन को बचाइए, अच्छा सा सनस्क्रीन लगाइए, अच्छा SPF वाला आपको सनस्क्रीन यूज़ करना है। ये प्रेगनेंसी के मेलाज्मा होते हैं जो आपकी प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद होता है। झाइयाँ
झाइयाँ भी महिलाओं को प्रेगनेंसी के टाइम में हो जाती हैं, जो कि प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद ही ख़त्म हो जाती हैं। तो इसे क्योर करने के लिए आप अच्छा सा पहले तो अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कीजिए। दूसरा है सन प्रोटेक्शन, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, धूप में जाने से बचें, अच्छा सा सन प्रोटेक्शन लें। खुजली की समस्या भी प्रेगनेंसी में बहुत सारी महिलाओं को हो जाती है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करें। मॉइस्चराइज करेंगी तो आपकी स्किन में खुजली नहीं होगी। यदि आपको बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है जो आप सहन भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको गायनिक से ज़रूर संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा खुजली होने से आपको प्रीटर्म डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट होता है स्किन का ड्राई होना। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है, आपकी स्किन में ड्राइनेस बढ़ती जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है आपके पोषण की कमी, क्योंकि यदि आप अच्छी हेल्दी डाइट नहीं लेंगे, क्योंकि इस टाइम पे आप प्रेगनेंसी में हैं और आपको बच्चे को जितना भी पोषण की ज़रूरत है वो तो अपना पूरा पोषण आपकी बॉडी से ले लेगा, चाहे वो पानी हो या और भी दूसरे पोषक तत्व हो, जिसके कारण से आपकी स्किन है जो ड्राई हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे अपनी खान पीन का ध्यान देना। तो बहुत ही पौष्टिक चीज़ें आपको लेनी है, ज़्यादा मात्रा में पानी पीना है। तो यदि आप ड्राई स्किन से बचना चाहते हैं तो आपको अपने पोषण पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, साथ ही अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना है। आप चाहें तो कैलोमाइल लोशन भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपकी खुजली में भी राहत देते हैं। स्किन टैग होना, स्किन टैग लटकते हुए मस्से जैसी रचनाएं हो जाती हैं, जो कि गर्दन के आसपास, आँख के आसपास, आपकी वेजाइनल एरिया में, बगलों में, आजू बाजू में हो जाते हैं, और वो देखने में अच्छे नहीं लगते ना छूने में अच्छे लगते हैं, स्किन कलर के होते हैं। तो ये प्रेगनेंसी टैग भी आप इनको कह सकते हैं, जो कि प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद ये धीरे धीरे करके अपने आप झड़ जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। यदि प्रेगनेंसी के बाद भी ये नहीं झड़ते हैं तो फिर आपको इसके लिए ट्रीटमेंट करा सकते हैं। होम्योपैथी में इसकी बहुत अच्छे से दवाएं हैं, मेडिसिन हैं, आप उनको ले सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम है जो कि प्रेगनेंसी में हो जाती हैं अक्सर महिलाओं की, छोटी मोटी प्रॉब्लम है, स्किन रिलेटेड है। तो आप इनका घर पर ही किस तरीके से उपचार कर सकते हैं, ये आज की वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।